तो क्या हाल है सबके? सबको जय श्री राम, जय माँ काल। आज हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए, तो हमारी पैकिंग हो गई है। तो ये देखो दोस्तों, बैग पैक हो चुका। लेके भगवान का आशीर्वाद निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा के लिए। ये स्वर्गीय दादाजी का और परदादाजी का आशीर्वाद लेते हुए पूरी वीडियो में हम बताएंगे। आज हम करेंगे ट्रेन से सफ़र। अभी तक गाड़ी से आना जाना बहुत हो गया, आप थोड़ा सा एक्साइटेड हैं। और ये ट्रेन वो वाली नहीं है कि रिजर्वेशन वाली, लोकल सीट पे बैठ के देखते हैं उसमें सीट मिलती है अभी कि नहीं मिलती, तो बने रहिए। लेट्स गो। महाकाल का नाम लेते हुए घर से निकलते हैं, रिक्शा लेके, मेट्रो लेके हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। फिर वहां हम लेते हैं जनरल के 4 टिकट, क्योंकि हमारे पास कोई स्लीपर टिकट नहीं थी। तो हम पहुंच जाते हैं ट्रेन के अंदर और कुछ इस तरह एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो दोस्तों हम चढ़ाए हैं भाई जनरल डब्बे में और धक्का मुक्की फुल थी, तो हमने ट्रेन ले लिया। ये है 9:50 की, नई दिल्ली से जाएगी सीधा उज्जैन। तो भाई सामने बैठा वीडियो बना रहा है और बाकी देखते हैैं कैसे कैसे रास्ता बीतता है अपना। चलो फिर दोस्तों, हमने थोड़ी देर बाद सैंडविच खोला जो मेरा दोस्त लाया हुआ था। फिर उसके बाद हमने सैंडविच खाने के कुछ देर बाद हमने अपना पोहा खोला जो मेरी बहन ने बना के दिया था। और हमारे ट्रेन में देखो हालत देखो, तो एक मतलब अच्छा लगता हमें सीट मिल गई थी, पर बाकी लोग देखो जैसे तैसे टाइम काट रहे थे और टाइम हम भी काट रहे थे। ऊपर देखो कैसे कैसे करके लोग बस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये होता है जनरल का हाल। तो ये पहली बार एक्सपीरियंस किया था हमने। ये देखो बड़ी नींद आ रही थी, पर 2 दिनों में बिल्कुल नहीं सोए, जैसे तैसे कमर टिका कर। ये देखो लोग फर्श पे पड़े हुए हैं, कैसे पड़े हुए। तो महाकाल जी का नाम, हम उनके दर्शन के लिए निकल पड़े थे। तो रात का टाइम था, ये थोड़ा व्यू है रात का। और हम उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ा सा पहले एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर हम पहुँच के हमने चाय नाश्ता किया। देखो बाहर तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो हमने एक समोसा खा के चाय पी के फिर हम निकल पड़ते हैं आगे के लिए। तो यहाँ से ट्रेन 20 मिनट की दूरी पर थी और हमें उज्जैन पे ले जा के छोड़ा ट्रेन ने, और हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो हमने यहाँ पर धर्मशाला के साइड में एक अपने कचौड़ी खाई। तो दोस्तों हम आ गए हैं भाई उज्जैन और हमने सुबह सुबह खाई है कचौड़ी। सफ़र कुछ ऐसा रहा, सीट पर भाई 12 घंटे में नींद नहीं आई, तो मुश्किल से 15-20 मिनट सोए होंगे। अब कचौड़ी खा लिया, लस्सी पी लिया, बाहर तो थोड़ी चीट मिल चलती है। अब जाएंगे दर्शन के लिए नहा धो के और सीधा मिलेंगे महाकाल जी के वहाँ पर। तो बोलो जय महाकाल जय बाबा जी। तो दोस्तों ये है उज्जैन का अपना रेलवे स्टेशन, ये है अपना रोड, ये है अपना दोस्त, और अब हम नहा धो के निकलने वाले हैं। तो ये यहाँ का व्यू ले लो, मौसम अभी तक तो अच्छा हो रहा है, आगे फिर देखते हैं कैसा मौसम होता है। तो दोस्तों हमने धर्मशाला ली थी 500 रुपये में, क्योंकि हमें वहाँ बैग रखना था और उसके अलावा हमें नहा धो के निकलना था। तो नहा धो के हम निकल पड़ते हैं ऑटो लेके, जिसने हमें 20-20 रुपये मार लिए थे और हमें मंदिर के बाहर छोड़ा। फिर यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। ये हमने अपना सेल्फी मोड ऑन करके कुछ यात्रा करी। यहाँ से हमारा मंदिर में प्रवेश स्टार्ट होता है, इसे कॉरिडोर एरिया कहते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप जाए तो कॉरिडोर एरिया से अगर आप जाएंगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी। जय महाकाल। तो यहाँ का सुंदर नज़ारा, इतने मनमोहक वाली यहाँ पे इतनी इतनी मूर्तियाँ, भगवान का त्रिशूल, ओम नमः शिवाय का स्टैचू, इतने प्यारे प्यारे बने हुए थे कि हमें रोका नहीं गया और हमने अपनी वीडियोस और फोटोज़ भी क्लिक करी। फिर हम जाते हैं कमल सरोवर का, देखिए लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको, और बड़ा अच्छे अच्छे स्टैचू यहाँ पे बनाए गए हैं। हमने सारे स्टैचूज कवर करने की कोशिश करी, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो साधु होते हैं वो यज्ञ करते हुए दिखते हुए उनके स्टैचूज दिख रही है, बड़ी प्यारी स्टैचूज दिखती है। एक एक करके सबका हमने विवरण लिया, किसका नाम क्या है, कौन से क्या क्या, किस तरह के यहाँ पे स्टैचूज है, किसका क्या अर्थ है, सब आपको इन वीडियोस में दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये पूरा एक स्तंभ पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, उसके चारों तरफ हमारे महात्मा जी जग करते हुए विराजमान हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, पहली यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी मूर्ति। इसके अंदर आपको साफ साफ नाम भी नज़र आएंगे, उनके स्टैचूज भी, उसके जो प्रतिमा होती हैं वो भी नजर आएंगे। श्री महर्षि अत्रि जी, इनके स्टैचूज देखिए कितने मनमोहक वाले स्टैचूज बनाए गए हैं। इसी में दूसरे आते हैं महर्षि भरद्वाज जी, तो इसका भी आप स्टैचूज देखिए,
बड़े प्यारे नज़र आते हैं, ऐसे ही तीसरे विश्वामित्र महर्षि जी। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ऐसे ही छः सारे गौतम जी, छः पूरे स्टैचूज बनाए गए थे। तो हमने सबका रिकॉर्ड करने का पूरा पूरा ध्यान रखा है कि आपको सब दिखाया जाए, और यहाँ पे कैसे कैसे अपने डेकोरेटिव चीज़ें लगाई गई है, कैसे सौंदर्य पूरा फैलाया गया कि आपको सब दिखाया जाए। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। एक प्रतिमा ये देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई है, यहाँ पे भोले जी, पार्वती जी, और कितना साफ सफाई और मौसम बहुत प्यारा हो रखा था वहाँ पे उस टाइम पे। ये है रावण जी, रावण जी की प्रतिमा पूरी अच्छे से दिखाई गई है यहाँ पे। ये देखिए नीचे इनका, रावण जी का पूरा, रावण का कैलाश पर्वत उठाना किस तरह से रावण जी ने उठाया था वो, और यहाँ हमारे जो भोले बाबा हैं विष पीते हुए, ये रावण की एक प्रतिमा है। यहाँ से हम एंट्री लेने के लिए तैयार होते हैं, यहाँ हम अपने जो चप्पल जूते होते हैं यहाँ उतार के, और बाय लक उस दिन हमारा फ़ोन वोन अलाउ था उस दिन के लिए सबका, वैसे अंदर ले जाना मना होता है। तो दोस्तों कभी भी आप आए तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉरिडोर का रास्ता एक है और एक आपका है जो सामान्य रास्ता है, तो अगर आप इस कॉरिडोर के रास्ते से आएंगे तो आपको दर्शन जल्दी हो जाएंगे, इसमें कोई रश नहीं है। और इस तरफ देखिए आप इसको, यहाँ पे आपको एक घंटे दो घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि ये नया रास्ता है, तो यहाँ किसी को पता नहीं है। फिर हम दोस्तों पहुँच जाते हैं अंदर दर्शन के लिए। काफ़ी प्यारा मंदिर बना रखा था महालेश्वर जी का, और जयकारा भोलेनाथ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें दर्शन होने की पूरी पूरी आशंका रहती है कि जल्दी हो जाएंगे, पर ये देखिए इतना रश है कि हमें दूर से ही दर्शन होते हैं। पर हम वेट करते हैं अपनी बारी का, और देखिए बस दर्शन हो गए, जय हो भोले बाबा जी की। फिर हम दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं, और बाहर एक भक्तगण बड़ा प्यारा संगीत गा रहे हैं भोलेनाथ जी। फिर इसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे के लिए। फिर हम आगे देखते हैं भोले जी की प्रतिमा, यहाँ पर लोग अपने अपने घर बनाते हैं, अपनी इच्छाएं मानते हैं। और ये हम बाहर निकाश करते हुए एग्जिट, और ये बाहर सामने शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में हम भोजन करते हैं, जिसमें हमने मंगाए थे मटर पनीर और शुद्ध तवा रोटी, जिसको खा के हम आगे चलते हैं। और आगे चलने के लिए दोस्तों ये बताते हैं कि हम एक ऑटो आप बुक कर लीजिए जो मात्र 500 रुपये लेता है, तो वो आपको 4 से 5 मंदिर घुमाता है, जो कि मंदिर इस तरीके से हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, ये कार्ड है, ये 4 से 5 मंदिर आपको घुमाएगा। तो इसमें काल भैरव मंदिर भी है, मंगलनाथ मंदिर भी है। तो इस तरीके से हम, ये हमारे महर्षि सादिपुनि आश्रम जी पहुँच गए। यहाँ पर कृष्ण जी, बाली जी और सुदामा जी साथ में पड़े हैं, खेले हैं। तो इसके अंदर आइए, इसके अंदर देखते हैं, ये उनका प्यारा सा मंदिर है, श्री कुंडेश्वर समाचार मंदिर यहाँ का नाम है, और इसके अंदर उनकी प्रतिमाएं बनाई गई है। तो हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं, आइए दोस्तों। तो इस मंदिर के अंदर थोड़ा सा रश था जाने के लिए, वीडियो अलाउ नहीं थी, तो हमने दूर से वीडियो बनाई। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो उसी मंदिर में एक पार्ट ये भी है अपना, गोमती कुंड। यहाँ पर इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर क्या हुआ, सब इसमें लिखा हुआ है। 64 कलाओं की तीरगाएँ, तो ये हमारा पूरा कुंड है जिसके अंदर पानी है, और इसके अंदर प्यारा सा कछुआ भी देखने को हमें मिला। तो इसके बाद निकल पड़ते हैं हम अपने अगले मंदिर की ओर, वापस हम ऑटो पकड़ते हैं। अब अगला मंदिर हम पहुंचते हैं श्री मंगलनाथ मंदिर जी, और यहाँ पे सारे मंदिरों में आपको सामान्य भीड़ मिलेगी। तो हम इस मंदिर के दर्शन करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं, और इसके अंदर किसी जिस जिसकी जो इच्छाएँ होती है वो अपना हवन करवाते हैं, पूरा पाठ पूजा पाठ कराते हैं। इसमें समय को देखते हुए हमने बाहर से दर्शन किए, और फिर हम पहुंच जाते हैं काल भैरव मंदिर। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मंदिर में दर्शन के लिए आपको मिनिमम 2 घंटे का समय लग सकता है।
तो इस मंदिर में आपको काफ़ी लाइनें और पेशेंस का साथ रखना पड़ेगा। तो यहाँ करीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद हमें काल भैरव जी के दर्शन हुए, और उनके दर्शन करने के बाद में फिर हम बाहर न्याय मंदिर से, और फिर हम एक और मंदिर गए जिनका नाम था माँ गढ़ काली का मंदिर, जो कि उज्जैन में ही पास में है महाकालेश्वर के। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसमें सारे दिए बंदर द्वारा जलाए जाते हैं, हमने अभी देखा नहीं, तो ये बहुत ही प्यारा मंदिर था। फिर यहाँ से हम दर्शन करते हुए अपने धर्मशाला आते हुए हमने एक दूध पिया, तो दूध का गिलास इतना प्यारा था कि जब हम नहा धोकर एग्जिट आए फिर हमने एक बार दोबारा दूध पिया। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग, और फिर उसके बाद हमने, तो दोस्तों ये देखो मैं और मेरा दोस्त ने पहली बार दूध पिया और मेरा दूसरा गिलास था, तो इतना दूध पसंद आया कि हमने 2 बार दूध पिया। फिर यहाँ से बहुत अच्छी भोलेनाथ जी की शिव कांवड़ यात्रा झांकी निकलती हुई दिखाई गई। फिर उसके बाद दोस्तों हमने वापस ट्रेन ली दिल्ली के लिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल टिकट लेके अप डाउन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1100 रुपये के बीच में हम दिल्ली से लेके उज्जैन तक ट्रैवल कर सकते हैं चीपेस्ट एक्सपेंसिव में। वहाँ जाके आप धर्मशाला लीजिए, रेस्ट करिए और अपना पूरा घूमिए। तो अगर आपका 4 से 5 लोग का ग्रुप है तो ईच एंड एवरी वन 1000 to 1100 रुपीज़ आपको कन्वेंस आएगा। तो ये था हमारा पूरा ट्रैवल। ऐसे हमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम सब्सक्राइब फॉलो लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा।